हम लोगों ने एंशियंट के सिलेबस को भी देखा और एंशियंट हिस्ट्री के सोर्सेज को भी हम लोगों ने पढ़ा है। तो आज से हम लोग टॉपिक की शुरुआत करेंगे और टॉपिक में जो पहला टॉपिक बनेगा वो टॉपिक क्या बनेगा, वो टॉपिक बनेगा प्री हिस्टोरिक पीरियड। प्री हिस्टोरिक पीरियड वह काल जिस काल में लोगों को स्क्रिप्ट की जानकारी नहीं थी, लेखन कला की जानकारी नहीं, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है और जिस काल के अध्ययन के लिए हमें पूर्ण रूप में पुरातात्विक स्रोत पर निर्भर रहना पड़ता है, वैसे ही काल को हम क्या कहते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड कहते हैं। तो एंशियंट हिस्ट्री में जो हम लोग स्टोन एज पढ़ते हैं वो स्टोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड के दायरे में ही आता है। तो पहला टॉपिक जो हमारा बनता है वो क्या बनता है, प्री हिस्टोरिक। और आप देखेंगे सिविल सर्विसेज में, स्टेट पीसीएस में यहां से भी प्रश्न रहते हैं पढ़ने के क्रम में, जहां जहां उस टाइप की बात होगी कि जहां से क्वेश्चन पूछा गया है या पूछा जा सकता है, मैं चर्चा करूंगा। अब अगर आपसे पूछा जाए, चूंकि इतिहास किसका अध्ययन करता है, कल्चर का अध्ययन करता है, मानव संस्कृति का अध्ययन करता है, तो भारत में संस्कृति का डेवलपमेंट कब हुआ, तो ये जानने के लिए हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड को पढ़ने की आवश्यकता है, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी की आयु कितनी है, पृथ्वी की आयु कितनी है, पृथ्वी की उम्र कितनी है, खासकर जियोलॉजिस्ट इसका अध्ययन करते हैं और वो जब बताते हैं तो पृथ्वी की आयु कितनी, 450 करोड़ वर्ष, यानी इतनी ही पुरानी क्या है, पृथ्वी है, है ना। अब हमें पृथ्वी का तो इतिहास पढ़ना नहीं, हमें मानव का इतिहास पढ़ना है, मानव संस्कृति को पढ़ना है। तब ये देखना होगा कि इस पृथ्वी पे जीवों की एक्टिविटी कब शुरू हुई, नहीं, इस पृथ्वी पे स्तनपायियों का आगमन कब हुआ है ना। तो 450 करोड़ वर्ष पुरानी पृथ्वी के अस्तर भौमिकी के अंतर्गत कई कल्प है, कई एराज है, जियोलॉजिस्ट ने उन्हें 5 कल्प में वर्गीकृत किया है, ठीक है, जिसमें हमारा संबंध किससे है, हमारा संबंध है सेनोजोइक एरा से, किससे, सेनोजोइक एरा से। और इस सेनोजोइक एरा का आगमन कब होता है, 8 करोड़ वर्ष पूर्व, कहा जाता है इसी दौर में स्तनपायियों का इस पृथ्वी पे आगमन हो गया, कई जीवों का इस पृथ्वी पे क्या हुआ, आगमन हो गया। इसी दौर में महासागरों का आविर्भाव हुआ, कुछ महत्वपूर्ण नदियों का आविर्भाव हुआ, जीवों की एक्टिविटी इस पृथ्वी पे क्या हुई, प्रारंभ हुई। लेकिन हमें पढ़ना किसका इतिहास है, मानव का इतिहास, मानव संस्कृति को पढ़ेंगे, है ना। तब देखना है कि मानव की एक्टिविटी इस पृथ्वी पे कब से प्रारंभ हुई, है ना। तो जैसे आपने देखा कि पृथ्वी को कई कल्पों में वर्गीकृत किया गया, ठीक है, ठीक इसी प्रकार इस सेनोजोइक एरा को क्या किया गया, कई पीरियड्स में बांटे गए हैं, जिसमें हमारा संबंध किससे है, हमारा संबंध है क्वार्टरनरी पीरियड से, ठीक है, यानी मानव के इतिहास का संबंध किससे है, क्वार्टरनरी पीरियड से है। और पुनः क्वार्टरनरी पीरियड को क्या किया गया, कई फेजेज में वर्गीकृत किया गया, कई फेजेज में मतलब क्या, कई अवस्थाओं में वर्गीकृत किया गया, जिसमें हमारा संबंध किससे है, 2 फेज से है, एक प्लिस्टोसीन फेज और दूसरा क्या है, होलोसीन फेज। अब यहां पे एक चीज आप याद रखिएगा कि मानव का इतिहास जो हम पढ़ने वाले हैं इसका संबंध किससे, सेनोजोइक एरा, सेनोजोइक एरा के क्वार्टरनरी पीरियड, और क्वार्टरनरी पीरियड की किस फेज से, प्लिस्टोसीन फेज से है, ठीक है। कहा जाता है कि ये प्लिस्टोसीन फेज का आगमन, अलग अलग अगर आप बुक को पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल एक्यूरेट डेट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां पे लाखों वर्ष का मामला है, ठीक है। सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि 30 लाख से लेकर 20 लाख वर्ष पूर्व किसका आगमन हो गया, प्लिस्टोसीन फेज का आगमन हो गया। हम जब स्टोन एज पढ़ेंगे तो स्टोन एज का जो पहला पार्ट होगा पूरा पाषाण काल, वो पूरा पाषाण काल का संबंध किससे है, प्लिस्टोसीन फेज से, जिसका आगमन कब हो गया, 30 लाख वर्ष पूर्व हो गया है, और 10,000 BC के लगभग में होलोसीन फेज का आगमन हुआ। आज भी हम लोग होलोसीन फेज में ही रह रहे हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है,
कि वर्तमान मानव किस फेज में रह रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा? होलोसीन फेज। 10,000 BC में आगमन हुआ, अभी तक होलोसीन फेज चल रहा है। इसका मतलब है कि मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल अगर हम पढ़ेंगे तो कहां पढ़ेंगे? होलोसीन फेज के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। तो मोटे तौर पर एकदम ध्यान रखना है, सेनोजोइक एरा, क्वार्टरनरी पीरियड, और क्वार्टरनरी पीरियड के अंतर्गत क्या? प्लिस्टोसीन फेज। इसी प्लिस्टोसीन फेज में विश्व के अलग अलग हिस्सों में मानव की एक्टिविटी क्या हुई? प्रारंभ हो गई। मानव की एक्टिविटी के प्रमाण मिलने प्रारंभ हो गए, ठीक है। तो आगे आप ध्यान रखेंगे क्या? आगे ध्यान रखेंगे क्या? प्लिस्टोसीन फेज। प्लिस्टोसीन फेज जिसका आगमन कब हुआ? 30 लाख से लेकर 20 लाख वर्ष पूर्व, इसी बीच में इसका आगमन हुआ, है ना। याद रखना है, यही वह दौर है जब विश्व स्तर पर क्या होता है, मानव के भौतिक और क्या सांस्कृतिक क्रियाकलाप उभरते हैं। यानी मानव की एक्टिविटी के प्रमाण विश्व स्तर पर मिलने क्या होते हैं? शुरू हो जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ कहने से तो काम नहीं चलेगा, हमारे पास इससे संबंधित एविडेंस चाहिए। हम कैसे मान रहे हैं कि यही वह दौर है प्लिस्टोसीन फेज का दौर, जब विश्व के तमाम हिस्सों में, तमाम क्षेत्रों में मानव की एक्टिविटी प्रारंभ हुई? ये कहने का हमारा क्या आधार है, है? तब आप देखते क्या है, एग्जाम्पल के तौर पर याद रखिएगा, ये कहने का हमारा आधार क्या है? तो हमारा आधार क्या होगा? उदाहरण होगा, है ना। उदाहरण क्या है याद रखिए, पहला अफ्रीका। अफ्रीका में आपने केनिया का नाम सुना होगा। केनिया में तुराकान झील क्षेत्र, यानी तुराकान झील के जल निक्षेप से क्या मिला? याद रखिएगा, 26 लाख वर्ष पुराने मानव जीवाश्म का साक्ष्य, ठीक है। इसका मतलब है 26 लाख वर्ष पहले इस एरिया में मानव की एक्टिविटी थी, तभी तो मानव के जीवाश्म के प्रमाण मिले, मानव की खोपड़ी का प्रमाण मिला, है ना। और ये जो मानव है, ये कौन सा मानव है? यह मानव है ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या? मानव, ठीक है। ये मानव की एक प्रजाति है। जनरली देखिएगा, एक साल क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व के प्राचीनतम या प्रारंभिक हॉमिनिड कौन सा है, यानी आप प्राचीनतम हॉमिनिड किसको मानते हैं? हॉमिनिड कहने का मतलब क्या हुआ? हॉमिनिड का मतलब हुआ मानव जैसा प्राणी, ठीक है। तो याद रखिएगा, विश्व का प्राचीनतम हॉमिनिड कौन? ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव। यही प्रारंभिक प्रमाण है मानव जैसे प्राणी का। कहां से मिला? अफ्रीका से। इसका मतलब है कि प्रारंभिक मानव की एक्टिविटी कहां थी? अफ्रीका में थी। क्वेश्चन यहां से भी बन रहा है, क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। याद रखना है, हॉमिनिड मतलब क्या? मानव जैसा प्राणी। मानव जैसा प्राणी का प्रारंभिक प्रमाण किस मानव प्रजाति का है? तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस का है। कहां से मिला? अफ्रीका से मिला, ठीक है। यह पता चल रहा है कि 26 लाख वर्ष पहले मानव की एक्टिविटी अफ्रीका में थी। अभी अभी हमने बात किया कि प्लिस्टोसीन फेज जो 30 लाख वर्ष पहले प्रारंभ हुआ, उस वक्त से ही मानव की एक्टिविटी विश्व स्तर पर देखने को मिलती है। तो एग्जाम्पल प्रेजेंट कर रहा है, ठीक उसी प्रकार याद रखिएगा, अफ्रीका में इथोपिया एक जगह है। अफ्रीका में ही इथोपिया, इथोपिया में ओमी नदी क्षेत्र। ओमी नदी क्षेत्र कहने का मतलब हुआ ओमी नदी का जल निक्षेप। ओमी नदी क्षेत्र मतलब ओमी नदी का क्या? जल निक्षेप। और यहां से क्या मिलता है? यहां से पशु जीवाश्म का भी प्रमाण मिलता है, प्लस पाषाण उपकरण का प्रमाण मिलता है, है ना। यानी इस एरिया में कितना वर्ष पुराना? 22 लाख वर्ष पूर्व, 22 लाख वर्ष पहले इस क्षेत्र में मानव की एक्टिविटी थी। तभी तो आप देखते क्या है, पशु जीवाश्म का भी प्रमाण मिलता है और स्टोन के टूल्स का भी प्रमाण मिलता है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने मानव को उपकरण बनाने वाला क्या कहा है? जानवर कहा है। मानव क्या है? उपकरण का निर्माण करने वाला प्राणी है। इसका मतलब है इस एरिया में मानव की एक्टिविटी थी कब? 22 लाख वर्ष पहले। आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दीजिएगा। अगला एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो कहां? यूरोप में देख लेते हैं। यूरोप में याद रखिएगा,
फ्रांस में एक स्थल है जिसका नाम है अबे बिले, ठीक है। इस अबे बिले क्षेत्र से क्या मिलता है, यहां से एनिमल फॉसिल्स का भी प्रमाण मिलता है और यहां से स्टोन टूल्स का भी प्रमाण मिलता है, और ये अबाउट कितना पुराना है, 24 लाख वर्ष पूर्व का। मतलब यूरोप क्षेत्र में भी 24 लाख वर्ष पहले मानव की एक्टिविटी है। नहीं, जो हम लोग बात कर रहे हैं कि प्लिस्टोसीन फेज में ही विश्व के तमाम क्षेत्रों में अलग अलग हिस्सों में मानव के सांस्कृतिक और भौतिक क्रियाकलाप उभरने लगे, जिसका एविडेंस कहां से मिलता है, अफ्रीका से भी मिलता है, और इसका एविडेंस कहां मिलता है, यूरोप से भी मिलता है। आपके सामने एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें, कहां अब देखा जाए, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में, क्योंकि हमें आगे भारत का इतिहास पढ़ना है, तो भारत में मानव की एक्टिविटी कब से मिलनी प्रारंभ हुई, यह भी जानने की जरूरत है ना। याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में एक स्थान है जिसका नाम है रीबात। रीबात आज ये पाक स्थित पंजाब का क्षेत्र है, नहीं, रावलपिंडी का क्षेत्र है ना। यहां से 18 लाख वर्ष पुराने क्या उपकरण औजार के प्रमाण मिले, 18 लाख वर्ष पुराने उपकरण औजार के प्रमाण यहां से मिल रहे हैं। मतलब भारतीय क्षेत्र में भी 18 लाख वर्ष पहले इस क्षेत्र में मानव की एक्टिविटी थी, है ना। दौर क्या है, प्लिस्टोसीन फेज का दौर है ना। दूसरा अगर देखें तो याद रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप में एक क्षेत्र है जिसका नाम है बोरी। ये कहां है, ये महाराष्ट्र में है, और इस बोरी से 14 लाख वर्ष पुराने क्या उपकरण औजार के प्रमाण मिल रहे हैं। मतलब महाराष्ट्र के बोरी क्षेत्र में 14 लाख वर्ष पहले मानव की एक्टिविटी है, एविडेंस कहता है ना। ठीक उसी प्रकार एक और क्षेत्र है, ये काफी पॉपुलर है, सोहन। एक साल क्वेश्चन पूछा था कि सोहन का प्रतिनिधि उपकरण क्या है, यानी यहां जो मानव टूल्स का निर्माण करता था, उस टूल्स में किस टूल्स को बनाने में उन्हें एक्सपर्टीज हासिल थी। चूंकि यहां से हम देखते क्या है, भारत का सबसे पुराना हैंडएक्स का प्रमाण मिलता है, यहां के लोग हैंडएक्स बनाने में एक्सपर्टीज हासिल कर रखे थे, अधिकांश उपकरण जो है वो हैंडएक्स ही है ना। तो सोहन क्षेत्र ये कहां है, ये आज पाकिस्तान, पाकिस्तान का क्या पोतवार पठार का क्षेत्र है ना। यहां से अबाउट आप कह सकते हैं 7 लाख वर्ष पुराने क्या स्टोन टूल्स के प्रमाण मिले, और इस स्टोन टूल्स में अधिकता किसकी है, तो याद रखना है हैंडएक्स की अधिकता है, यही यहां का प्रतिनिधि उपकरण है, ठीक है। मतलब स्पष्ट है कि इस वक्त सोहन क्षेत्र में भी मानव की एक्टिविटी थी, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में आप देख रहे हैं क्या मानव की एक्टिविटी के प्रमाण मिल रहे हैं, किस फेज से, प्लिस्टोसीन फेज से, समझ सकते हैं। एक और एग्जाम्पल याद रखिएगा, बहुत ही पॉपुलर है और आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनता है। याद कीजिए, एक जगह का नाम है हथनौरा। क्या नाम है, हथनौरा। ये हथनौरा कहां है, एमपी, एमपी में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में, मध्य प्रदेश का होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट। यहां से क्या मिल रहा है, दो तीन चीजें आपको देखने को मिलती है, बहुत जरूरी है जानना। एक, मानव जीवाश्म का प्रमाण है ना, दूसरा पशु जीवाश्म का प्रमाण, और तीसरा क्या है, पाषाण उपकरणों का प्रमाण है ना। शिकार की भी कहानी कह रहा है, मानव की एक्टिविटी इस क्षेत्र में है इसकी भी कहानी कह रहा है, और इस वक्त लोग बड़े अनगढ़े उपकरणों का निर्माण करते थे जो स्टोन बेस्ड था, ये भी कहानी कह रहा है ना। ये जो हथौड़ा साइट है, यहां का जो एविडेंस है, ये 3 लाख वर्ष पुराना है। 3 लाख वर्ष क्या है, 3 लाख वर्ष पूर्व का है, और ये जो मानव है ये कौन सा मानव है, होमो इरेक्टस मानव है। होमो इरेक्टस मानव का प्रमाण कहां से, भारत से। अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय उपमहाद्वीप से प्रारंभिक होमिनिड का प्रमाण कहां से मिलता है, तो विश्व परिप्रेक्ष्य में तो हम अफ्रीका की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते हैं, लेकिन वही पूछा जाए भारतीय उपमहाद्वीप में प्रारंभिक क्या होमिनिड का प्रमाण, तो कहां से हो जाएगा, हथनौरा। किस होमिनिड का प्रमाण मिल रहा है, होमो इरेक्टस का प्रमाण मिल रहा है। कितना वर्ष पुराना,
3 लाख वर्ष पुराना, मतलब 3 लाख वर्ष पहले होमो इरेक्टस की एक्टिविटी इस क्षेत्र में थी, ये जानकारी मिल रही है। तो अब देखा जाएगा तो आप ये कह सकते हैं कि प्लेस्टोसीन फेज में ही विश्व के लगभग सभी हिस्से में मानव के सांस्कृतिक और भौतिक क्रियाकलाप उभरने लगे हैं, है? यही से हम लोग इतिहास को पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड के अंतर्गत, समझ सकते हैं? अब एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि प्लेस्टोसीन फेज से ही हम लोगों को पढ़ना है, है? प्लेस्टोसीन फेज में ही मानव की एक्टिविटी का प्रमाण मिलेगा। लेकिन तब एक बात जानने की आवश्यकता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातात्विक अनुसंधान का कार्य कब से प्रारंभ हुआ, चूंकि कोई रिटन एविडेंस तो है नहीं, तो उत्खनन के आधार पर या पृथ्वी के ऊपरी सरफेस से कुछ चीजें मिल गई, उसका अध्ययन हुआ, तभी कल्चर के बारे में जानकारी मिल रही है। तो हमें जानना क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातात्विक अनुसंधान कब से प्रारंभ हुआ। अगर आप ऐसे पढ़ेंगे तो याद कीजिए ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश पीरियड में, जब भारत में रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया, यानी रेलवे का डेवलपमेंट शुरू हुआ लॉर्ड डलहौजी के काल में, तो रेलवे ट्रैक के डेवलपमेंट के दौर में भी कई जगहों से कुछ पुराने स्मारकों के प्रमाण, कुछ पुरानी सामग्रियों के प्रमाण मिले, लेकिन उसका कोई सिस्टमाइज अध्ययन तो नहीं हुआ, नहीं। तो हमें यह देखना है कि कहां से अध्ययन की शुरुआत होती है, पुरातात्विक अनुसंधान की शुरुआत होती है और इतिहास के निर्माण में वो उपयोगी हो जाता है, है ना? तो याद रखिएगा 1863 1863 नाम याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्रुस्टफुट साइट का नाम है पल्लवरम। पल्लवरम कहां है? तमिलनाडु, है ना? यहां से इन्होंने एक क्लीबर की खोज की, है ना? यानी भारतीय उपमहाद्वीप का फर्स्ट अनुसंधान किसको माना जाएगा? 1863 रॉबर्ट ब्रुस्टफुट ने क्या किया, पल्लवरम से एक क्लीबर की खोज की। क्लीबर दोधारी गड़ाचा पाषाण का बना हुआ, ये पैलोलिथिक एज का था, है ना? यानी इस क्षेत्र में, इस दौर में मानव की एक्टिविटी इस एरिया में है। पुरातात्विक अनुसंधान का कार्य कब से शुरू हुआ? 1863 से हुआ, है ना? एक साल क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थल से प्रथम पुरापाषाणिक कलाकृति का प्रमाण मिला। तो प्रथम पुरातात्विक कला पुरापाषाणिक कलाकृति का प्रमाण कहां से मिलेगा? जहां पहला एक्सकेवेशन होगा, अगर वहां से मतलब कि प्रमाण मिल गया हो, तो पहला साइट कौन है? पल्लवरम, जहां से क्लीबर की प्राप्ति हुई। तो भारतीय उपमहाद्वीप का पहला पुरापाषाणिक कलाकृति कहां से मिला? तो उत्तर क्या हो जाएगा? पल्लवरम हो जाएगा, है ना? ठीक इसी प्रकार याद रखिएगा 1864 में मिस्टर किंग, किंग महोदय ने अतिरम पक्कम, ये भी आपका मद्रास के पास है, यहां से इन्हें दो छोटे हैंड एक्स की प्राप्ति हुई जो लगभग 2.5 लाख वर्ष पुराने हैं, है ना? यानी पुरातात्विक अनुसंधान का कार्य कब से शुरू हो गया? 1863 से। फर्स्ट साइट कौन? पल्लवरम तमिलनाडु के पास। सेकेंड एक्सकेवेटेड एरिया भारत का कौन सा? अतिरम्पक्कम, जहां से दो छोटे हैंड एक्स की प्राप्ति हुई, है ना? जिसको क्या कहा गया? एल्यूशियन हैंड एक्स, थोड़ा छोटा साइट था इसलिए इसका नामकरण दिया गया। और इसके बाद आप देखते क्या है, ल्यूबेक, हरग्रिव्स, मैकॉरी, सर जॉन मार्शल, ठीक है, तमाम पुरातत्वविद के मतलब कि काल में लगातार भारतीय क्षेत्र में क्या होता रहा, एक्सकेवेशन होता रहा। और इसी एक्सकेवेशन के आधार पे हमें प्रागैतिहासिक संस्कृति के बारे में, आद्य ऐतिहासिक संस्कृति के बारे में क्या मेरी जानकारी मिली, ठीक है? इसलिए जो हम लोग पढ़ेंगे क्या, प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो याद रखिएगा कि सामान्य तौर पे प्री हिस्टोरिक पीरियड जो हम पढ़ते हैं कब से कब तक? 5 लाख वर्ष पूर्व से लेकर कब तक? 3000 वर्ष पूर्व का दौर, ठीक है? इसी दौर का हमें अध्ययन करना है। और इसका अध्ययन हम लोग किस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे? तो आगे जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो टॉपिक क्या कहलाएगा? वो टॉपिक कहलाएगा स्टोन एज। क्या कहेंगे? इसी को कहेंगे हम लोग पाषाण काल। तो कल हम लोगों का जो टॉपिक शुरू होगा वो क्या शुरू होगा? पाषाण काल शुरू होगा। तब यहां से हम लोग सिस्टमैटिक अध्ययन करेंगे, ठीक है? थैंक यू।